हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बम्पाड़ एजुकेशन एंड हियर वी आर विद मैरी गोल्ड, अ बुक फॉर क्लास थ्री इंग्लिश बुक रीडर फॉर डीपीएस स्टूडेंट्स। सो हियर वी आर विद यूनिट फाइव एंड द चैप्टर इज द येलो बटरफ्लाई, मतलब पीली तितली। येलो मतलब कि तो पीला कलर होता है, ठीक है। बटरफ्लाई मतलब तितली। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन, तो सोनू के गार्डन में, बगीचे में क्या कर रही है, एक पीले रंग की तितली उड़ रही है, ठीक है, चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ उसकी। सोनू सादा बटरफ्लाई, और सोनू ने तितली को देखा, ही रैन टू कैच, वह उसे पकड़ने, कैच मतलब पकड़ना, वो पकड़ने के लिए दौड़ा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, तो तितली उड़ते हुए किस पे चले गई, सुंदर सा जो एक बिस्तर बना हुआ था, किसका, रोज, गुलाब के फूल का, उस पर उड़ के चले। इट सेट ऑन अ रोज, रेड रोज, और वो एक लाल गुलाब के ऊपर बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट, अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ, सेट सोनू, सोनू ने कहा। ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, वो धीरे से और चुपचाप उसे पकड़ने के लिए तितली की तरफ बढ़ा। ही केम, वह आया क्लोजर एंड क्लोजर, नजदीक और नजदीक, एंड स्टिल क्लोजर और नजदीक, बट देन, लेकिन तभी, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, तितली उड़ गई। ऑफ फ्लू मतलब तितली जहाँ बैठी थी वहां से उड़ गई। Where did the butterfly go? तितली कहाँ गई? Near the garden was a pond. क्या था? बगीचे के पास में एक तालाब था। Near, नजदीक में ही। In the pond was a white lotus. और उस तालाब में क्या था? एक white, सफेद कमल का फूल था। Around it grew round leaves. और उसके चारों तरफ बिल्कुल क्या था? गोल गोल पत्तियाँ उगी हुई थी। They floated in the जो पानी में तैर रही थी, फ्लोटेड मतलब तैरना। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, और क्या करने लगी, बटरफ्लाई भी उसमें नौकायान करने लगी, सेल्ड होता है जैसे बोट में हम सेलिंग करते हैं, ठीक है, उसी में क्या, नौकायान करने लगी, तैरने लगी, किसके साथ, फ्लोटिंग, तैरती हुई पत्ती के साथ। सोनू वेंट स्प्लैश इन टू द वाटर, तो सोनू छपाक से क्या हुआ, पानी में उतरी, इन टू द वाटर, पानी के अंदर, ठीक है, एंड ऑफ फ्लू द, और तभी क्या हुआ, तितली उड़ गई। Where was it? वो कहाँ है? सोनू looked up. सोनू ने ऊपर देखा. He looked down. नीचे देखा. Near the wall was a peach tree. दीवार के पास में, पीच क्या होता, आड़ू, आड़ू का पेड़ था. It had pink flower, जिसके कहते गुलाबी फूल थे. The butterfly sat on a pretty flower. तो तितली क्या हुई, एक सुंदर, pretty मतलब तो सुंदर से फूल पर बैठ गई. I can catch you, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, shouted सोनू, सोनू चिल्लाया. He climbed up the tree. वो climbed मतलब चढ़ना, up the tree, पेड़ के ऊपर चढ़ गया. Up, up, he climbed. ऊपर ऊपर वो चढ़ता गया. But, लेकिन, back it flew. लेकिन पीछे से क्या, वो फिर दोबारा उड़ गई. Down from the, पेड़ से भी उतर के फिर उड़ गई. सोनू jumped down too. सोनू भी नीचे कूदा. He chased the butterfly. Chased मतलब पीछा करना, उसने तितली का पीछा किया. From the roses, टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई. कहाँ? गुलाब से कमल तक, और उसके बाद आड़ू के पेड़ पर, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाया. सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, सोनू को फिर वो नहीं दिखाई दी. ही लुकड एवरीवेयर, उसने हर तरफ देखा, चारों तरफ, एवरीवेयर, हर जगह. एट लास्ट ही सा द, और आखिरकार उसको तितली दिखाई दी. There was a big spider's web in the peach tree. वहाँ आड़ू के पेड़ पर एक big spider, spider मकड़ी, मकड़ी का जाला, web क्या होता है, जाल, बहुत बड़े मकड़ी का जाल था. The butterfly was caught in the spider, और जो तितली थी उसको क्या हुआ था, spider के web में फंस गई थी, पकड़ी गई थी. Caught मतलब क्या, फंसना या पकड़ना. It looked sad. As it tried to escape, वो बहुत उदास दिखाई, sad मतलब उदास, and tried to escape, जब वो वहाँ से बच के निकल, escape को तो किसी जगह से बच के निकल जाना, कोशिश कर रही थी. It fluttered its wings, तो उसने अपने wings, अपने पंखों को क्या, फड़फड़ाया. Fluttered मतलब क्या, फड़फड़ाना, घुमाना मतलब. It twisted and turned, उसने उनको मोड़ा, ठीक है, और मुड़ी. But it could not escape, लेकिन वो बच नहीं निकल पाई, ठीक है, उस चुंगल से आजाद नहीं हुई. किसके, द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट, स्पाइडर का जो मकड़ी का जाला था उसने उसको टाइट करके, बहुत ही जकड़ के पकड़ रखा था. पुअर बटरफ्लाई, बेचारी तितली.
इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, और वहीं बीच में मकड़ी के जाले के बीच में बहुत बड़ी मकड़ी थी। इट लुक्ड हंग्री, जो भूखी दिखाई दे रही थी। इट वॉन्टेड टू कैच द, वो क्या करती थी, बटरफ्लाई को पकड़ना चाहती थी। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल द ब्लैक स्पाइडर, और क्लोजर नज़दीक नज़दीक, क्रॉल मतलब रेंगना, धीरे धीरे चलते हुए रेंगना द ब्लैक, जब उसके पास पहुंच रही थी कौन, काली मकड़ी। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, इससे पहले कि भूखी मकड़ी उसको ग्रैब, ग्रैब मतलब पकड़ना, पकड़ लेती है, जकड़ लेती। सोनू रैन, सोनू दौड़ा, एंड ही कॉट द, उसने तितली को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, वो बहुत सुंदर थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, उसके पीले पंखों में क्या थे, ब्राउन भूरे कलर के धब्बे धब्बे स्पॉट्स, छोटे छोटे जो छेद ये दिखा रखे हैं पिक्चर में, वो बने हुए थे। सोनू लुक द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू ने, सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, उसने बहुत प्यार से उसको क्या करा, प्यार किया लिटिल बटरफ्लाई, छोटी तितली को। बट इट लुक सैड इन, लेकिन वो सोनू के हाथों में क्या उदास नज़र आ रही थी। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, सोनू उसको खुश देखना चाहता था। गो सैड सोनू, जाओ सोनू ने कहा, फ्लाई अवे, उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने तितली को जाने दिया। इट सेट ऑन द रेड रोज, वो सफ़ेद गुलाब पर बैठ गई। इट फ्लू टू द पीच ट्री, वो आड़ू के पेड़ तक उड़ गई। एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ, और फिर तैर कर कहाँ पहुँच गई, लोटस की पत्तियों पर, कमल की पत्तियाँ। इट फ्लू मियरली फ्रॉम फ्लावर, और वो खुशी खुशी एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ने लगी। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू उसको उड़ता उड़ता देखता रहा। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन, बटरफ्लाई के तितली सोनू के गार्डन के चारों तरफ उड़ती रही। हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, खुश होकर और आज़ाद होकर एक बार फिर। नीलिमा सिन्हा ने लिखी है। एंड द न्यू वर्ड्स एस्केप, मतलब कहीं से बचना, बच के निकल जाना। पौंड ताला, पीच आड़ू, क्लाइम चढ़ना, कैच पकड़ना, मिडिल बीच में, हंगरी भूखा, फ्लोट तैरना, साउट चिल्लाना, चेस पीछा करना, फ्लूटर फड़फड़ाना, ट्विस्ट घूमना या मोड़ना। सो दिस इज फॉर ऑल, अगर आपको ये पसंद आया, डू यू लाइक इट, देन मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी अपने बच्चों को बताइए कि किसी भी जानवर को ऐसे पकड़ना नहीं है। तितली, हम भी जब छोटे थे तो हम भी ऐसा करते थे, लेकिन उससे क्या होता, नाजुक तितलियों के या ऐसे कोई छोटे कीट पतंगे होते हैं, उनके पंख टूट जाते हैं और उन्हें नुकसान हो जाता है हमें तो कई बार, लेकिन ये कितनी अच्छी कहानी थी। तो आप अपने बच्चों को एक मोरल टीचिंग भी इससे दे सकते हैं कि उनका भी सम्मान करो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।